हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। और गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा CWL का day 4 चल रहा है, उसमें हम अटैक करने वाले हैं अपने TH 12 से, जो अभी अभी 12 हुआ है, 11 था पहले, रिसेंटली अपडेट करा था, तो उससे ज़्यादा अटैक करने वाले हैं। आर्मी आप देख लीजिए दोबारा, 5 हमारे आइस गोलम है, 12 हमारे बाउलर हैं और 10 हमारी विचिस हैं। तो यही हमारी मेन आर्मी है, बाकी CC में भी हमने आइस गोलम ले रखा है। तो देखते हैं फिर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना आइस गोलम को फैला के थोड़ा डालेंगे और ऊपर से विचिस डालेंगे, फिर बाउलर और कुछ बाउलर हमें लगभग 4 या 5 बाउलर ठीक बीच में, फिर हमारा लॉग लॉन्चर, किंग, क्वीन, वार्डन। तो क्वीन में थोड़ा सा रुक के डालूंगा क्योंकि मुझे क्वीन अंदर लेके जानी है, ठीक है, क्योंकि क्वीन कभी कभी अगर इधर उधर चले जाती है, जैसे कि हाँ सही है। हाँ, तो डालते हैं अपना रेज और हीलिंग, CC आ गया है, CC को करते हैं फ्रीज नहीं, चलो पॉइजन से काम हो जाएगा शायद, हाँ पॉइजन से काम हो जाएगा। तो फिर फ्रीज हमारी काफ़ी बच गई है, 3 फ्रीज हैं अभी, एक लेकिन वो है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप को पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और ज़्यादा कुछ बचा नहीं, बस खाली हमारा अभी ईगल आर्टरी रह गई है मेन, और मल्टी इनफिन, क्योंकि मल्टी इनफिन वो हमारी विचेस की सारी स्केलेटन खा जाएगा, इसलिए बहुत प्रॉब्लम करता है वो। तो स्केलेटन आर्मी बहुत सही है, मतलब ऐसे विचेस वाली। ईगल आर्टरी तो हमने निपटा ली, बस अब क्वीन को देते हैं एबिलिटी, क्योंकि सब कुछ ख़त्म, ठीक, कुछ नहीं बचा। अब क्वीन की एबिलिटी देते हैं, किंग की एबिलिटी पहले दे दी थी, कुछ नहीं बचा। तो ये हमारा 3-स्टार हुआ, बहुत सिंपल था ये वाला। बस इसमें थोड़ा सा बाद, जैसे आर्मी एक साथ छोड़ने के बाद सिर्फ आपको स्पेल्स का ध्यान रखना होता है। तो मुझे ये आर्मी TH 11 या 12 पे अच्छी लगती है, ये उससे ऊपर वर्क नहीं करती इतना अच्छा, क्योंकि फिर स्केलेटन मतलब बहुत जल्दी मरते रहते हैं और वर्क नहीं कर पाती सही से। 13 पे तो वैसे भी स्केटर शॉट आ जाते हैं, अभी नंबर 4 पे हैं हम, बट देखेंगे हम आगे आएंगे लगभग 2 या 3 पर तो स्टे करेंगे, 1 नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल है, काफ़ी पीछे हम हो चुके हैं पहले ही, बट फिर भी देखते हैं कि कहाँ आते हैं। तो रिक्वेस्ट कर देते हैं सेम आर्मी के लिए, और अभी हमारी मैं दूसरा टैक्स करूँगा जो TH 12 है, सॉरी TH 13, तो उससे मैं करने वाला हूँ जो लगभग मैक्स हो चुका है। तो ये वो आर्मी है, तो इसमें हमने जो मेन आर्मी है वो हमें 30 हॉक्स के साथ है और क्वीन चार्ज के साथ, ठीक, बाकी तो हम मतलब अपना एक्सटर्नल चीज़ तो लेके जाते ही हैं। तो चलते हैं फिर लेकर, हीरो सारे हैं, पॉइजन ले लिए, CC में एक आइस गोलम और बाउलर हैं, तो काम तो हो जाना चाहिए, देखते हैं बाकी। क्वीन चार्ज करते हैं पहले, CC वगैरह लेना है हमें, और बस CC ही लेना है क्वीन से ज़्यादा, तो क्योंकि बाकी तो क्वीन अपना पाथ बनाते चलती है। एक रेज डालते हैं, रेज और पॉइजन और फ्रीज, क्योंकि इनके जो मतलब रॉकेट होते हैं वो बहुत जल्दी पावर लेते हैं और सब ख़त्म हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा फ्रीज का भी ध्यान रखना है इसके ऊपर। सुपर मिनियन क्वीन को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं क्योंकि उसकी हेल्थ वैसे ही बहुत कम होती है। तो देखते हैं, एक और रेस, किंग, हमारा सीज बैरिक, बैरिक इसलिए क्योंकि मुझे अमाउंट में मतलब क्या कहते हैं आर्मी चाहिए ज़्यादा, इसलिए उसमें पिका और विजन निकलते हैं जिससे हमारा स्कैटर शॉट ले लिया जाएगा आराम से। किंग की एबिलिटी, और अब हम अपनी हॉगिंग स्टार्ट करते हैं जो पूरा स्प्रेड करके होगा, क्योंकि हमारे वो वाला स्कैटर शॉट चाहिए और यहाँ से पूरी आर्मी लेके जाएंगे। वार्डन और हमारा RC, हमारी RC, क्वीन अभी जिंदा है और एबिलिटी भी है, एक फ्रीज क्योंकि TH एक्टिवेट हो गया है, एक फ्रीज यहाँ भी, वैसे गलत हो गया क्योंकि हॉक्स बच्चे नहीं, ध्यान देना चाहिए था पहले ही। वार्डन की एबिलिटी देते हैं,
क्वीन की एबिलिटी अपने आप यूज़ हो गई। और दो लूम विजर्ड डाल देते हैं यहाँ साइड से ताकि क्लियर होता रहे। हॉक्स तो बहुत सारे हैं लेकिन अब स्पेल नहीं है एक भी। ओ एक जाइंट बॉम्ब। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और ऐसी वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वाह आरसी ने कमाल कर दिया। वैसे तो विजर्ड बहुत सारे थे लेकिन जो वॉल थी उसमें बहुत टाइम लग जाता क्योंकि अंदर के जो मतलब वो होते हैं फिर ना वो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो मज़ा आ गया और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ठीक है गाइस, तो ये मज़े मैं पूरे भारत को देना चाहता हूँ, सभी लोगों को। तो जो जो सी ओ से खेलते हैं वो सभी ये वाला मज़ा ज़रूर लें और लेते भी होंगे सी डब्ल्यू एल में। तो ठीक है गाइस, तो हमारा ये टी एच जो 13 है ये मैक्स होने वाला है कुछ टाइम में ही, तो इसके लिए भी वीडियो आएगी। और देखते रहें। बाय बाय, टाटा।